सॉफ्टवेयर के क्वार्टर वन के नतीजे आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है। रुपए आप यहाँ देख सकते हैं लाख में मेंशन है। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 9 करोड़ का आपकी बार है, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का था, एक साल पहले 9 करोड़ 33 लाख का था। तो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है, साल दर साल रेवेन्यू कम देखने मिल रहा है। एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी का 8 करोड़ 26 लाख का है, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ 80 लाख का था, एक साल पहले भी सेम था। तो एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी ने कम किया है क्वार्टर क्वार्टर भी, साल दर साल भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 83 लाख का, पिछले क्वार्टर में 33 लाख का था, एक साल पहले 53 लाख का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 60 लाख के आसपास है, पिछले क्वार्टर में 26 लाख का प्रॉफिट था, एक साल पहले 41 लाख का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर भी, साल दर साल भी। स्टैंड लोन हमने देख लिया, अब देखने वाले कंसोलिडेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। तो चलिए इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल डेटा सेम है, क्वार्टर क्वार्टर भी ज़्यादा है इनकम, साल दर साल भी इनकम ज़्यादा है। एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस भी यहाँ पे कंपनी ने कम खर्च किया है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर और पिछले साल की तुलना में कम खर्च किया है। प्रॉफिट अगर देखेंगे फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 55 लाख का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 13 लाख का प्रॉफिट है, एक साल पहले 3 लाख का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट अच्छा आ रहा है स्टॉक में, यहाँ पर आपको राइज देखने को मिलना चाहिए। चलिए चार्ट पर चलते हैं। पहले तो ये देखिए जो स्टॉक में आपको न्यूज़ देखने को मिली कितने बजे देखने को मिली है, 6:53 पे, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे कंपनी के नतीजे आए, तो इसकी प्रतिक्रिया आपको कल के दिन देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा कोई मूवमेंट नहीं आता, स्टॉक में बहुत कम रेंज में, बहुत छोटी रेंज में काम होता है। लेकिन यहाँ पर नतीजे क्योंकि अच्छे आ गए, यहाँ पर स्टॉक मुझे मेरे हिसाब से तीन यहाँ पे रुपए तक आराम से जाना चाहिए, 3 रुपये का टच यहाँ पे प्राइस टच 3 रुपये पे कर सकता है, ठीक है। डबल टॉप वहाँ पे बनेगा, डबल टॉप बनने के बाद फिर से शायद रिजेक्शन आ जाए, लेकिन अगर रिजेक्शन लेने के बजाय यहीं पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रही है तो समझ जाइए स्टॉक वापस से 4-5 रुपये जाने की तैयारी कर रहा है। कंडीशन सुन लीजिए ध्यान से, जब यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, ब्रेक करेगा, तब 4-5 रुपये जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, डबल टॉप बनाकर रिजेक्शन लेता है, तो वापस से स्टॉक आपको करीब करीब 2-30 रुपये तक आते हुए देखने को मिल जाएगा, 2-30 रुपये तक फिर से आएगा, ठीक है। कब, जब यहाँ पे टॉप पे रिजेक्शन लेता है, 3 रुपये के आसपास रिजेक्शन लेता है, तो गिर करके 2-30 रुपये तक आ सकता है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपका यहाँ पे एनालिसिस क्या है, आपके नॉलेज के हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन राय रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, जो भी न्यूज़ है वो मैंने कवर किया, आपको बताया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।